ये है दिल्ली दर्पण। सॉरी, मैं तो ये सोच के आई थी ना कि हमारी आउटिंग हो जाएगी, पर काम भी जरूरी है ना। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज दिल्ली दर्पण स्टूडियो में एक खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जो लोग दिल्ली क्राइम देखते होंगे नेटफ्लिक्स पर, एक बहुत पॉपुलर शो है दिल्ली क्राइम, उनमें जो एसीपी थी उनके हस्बैंड देवेंद्र आकाश, इनका धैया असली नाम है, आज सौभाग्य से हमारी इनसे मुलाकात हुई और आज हम स्टूडियो में इनसे हम बात कर रहे हैं। और फिल्म से अलग हटके, उस सीरीज से अलग हटके हम कुछ और पर्सनल इश्यूज पर हम बात करेंगे। जैसा कि उसमें दिखाया गया कि एक पुलिस और एक फौजी, दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ भी एक होती है, उसमें अपनी अपनी जो कर्तव्य हैं उनका निर्वाह करते समय जो दिक्कतें एक परिवार को, ऐसे परिवार को आते हैं जो पुलिस फैमिली में है या फौज में है। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पर जो देवेंद्र हैं एक फौजी है और जो इनकी वाइफ है नीति, वो एसीपी हैं दिल्ली पुलिस में। तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं ऐसे ऐसे परिवार से, आप तो खुद फौजी हैं और जब हम अभी एपिसोड देख भी रहे थे तो पर्सनल इश्यूज जो आते हैं किस तरह से डील करते हैं उनको, आपको क्या लगता है किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं, खासकर तब जब आप एक फौज में हो और एक पुलिस में हो तो कैसे तालमेल बैठा पाते हैं? मुझे लगता है सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई फौज में है और वाइफ दिल्ली पुलिस में है तो उनके बीच में ऐसे रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें आती हैं, बल्कि मुझे लगता है समाज में हर मैरिड लाइफ में ऐसी दिक्कतें, वर्किंग मैरिड कपल जो होते हैं तो उनकी लाइफ में काफ़ी सारी दिक्कतें इससे रिलेटेड आती रहती हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि इसके पीछे सिर्फ ये दो लोग ही नहीं बल्कि यू नो समाज भी पीछे इसके कारण रहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो, अगर दिल्ली क्राइम में या अगर आप देखें तो जब इनकी लड़ाई चल रही है या जो भी वो चीज़ चल रही है तो नीति जब लास्ट सीन में आती है तो वो सबसे पहले माँ को, जो अपनी सास है उसकी, उसको वो बोलती है कि नमस्ते मम्मी जी, और वो रिप्लाई नहीं करती हैं। तो इससे जाहिर होता है कि शायद माँ भी रूठी हुई हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि एक औरत का, औरत के लिए स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ अपने बेटे की साइड लेना। तो इस समाज में ये जो सारी चीज़ें जो जहन में किसी भी एक मैरिड कपल के जाती है और जिस वजह से वो इन सब चीज़ों का सामना करता है, तो उसमें मुझे लगता है कि ये ख्याल रखना चाहिए समाज को कि किसी भी मैरिड लाइफ के बीच में वो, जिसे कहते हैं ना, आग उगलने वाली चीज़ ना करें। मेरा जो कहना का तात्पर्य था, अपनी ड्यूटी को निभाते समय, क्योंकि बहुत प्रेशर होता है जब किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रही होती हैं या ड्यूटी को लेकर के होती हैं, आपको भी समय कम मिल पा रहा होता है तो कितने चैलेंजेज हो जाते हैं, तो उस समय लाइफ कैसी हो जाती है, एक साधारण आम आदमी की बात ना करें हम तो। हाँ, लेकिन वो वही चीज़ क्या है कि दिल्ली क्राइम में भी स्वामी जी यही चीज़ है कि एक ऑफिसर की आम जिंदगी है ना, तो वो एक आम आदमी जैसे ही है। एक हस्बैंड वाइफ तो आम आदमी है, उनके बीच में शायद वो चीज़ नहीं आती होगी कि वो पुलिस में है या वो, जो कि बहुत जाहिर सी बात है कि आपको हर एक अपने ओहदे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वाइफ फोर्स में है तो उसकी भी वो जिम्मेदारी है उसके प्रति। तो आई थिंक जो आर्मी में जो देवेंद्र है उसको भी वो समझना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए, ना कि उससे उन चीज़ों को लेके बहस हो या कुछ बात होती है कि भाई आज हमें घूमने जाना है या कोई और प्लान हो रहा होता है और वो प्लान कैंसिल हो जाता है, तो समझना चाहिए। मुझे ये लगता है कि समझना चाहिए। हाँ, चलिए अब थोड़ी सी बात हम दिल्ली क्राइम पे कर लेते हैं। दिल्ली के अंदर जो बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं उनके ऊपर ही है, तो थोड़ा सा इस क्राइम शो के बारे में बताइए और कैसे आपको ये शो मिला है।
मुझे ये क्राइम शो जो था दिल्ली क्राइम, ये मिला रिची मेहता जो कि इसके क्रिएटर हैं, तो वो उनसे मेरी जान पहचान रही है बहुत पहले से। तो जब निर्भया केस हुआ था तो प्रोटेस्ट चल रहे थे और कैनल मार्च चल रही, तो मैं भी उसका हिस्सा था। तो रिची जो हैं उनसे मेरी बात होती रहती थी, तो एक बार वो भी मेरे साथ में गए थे वहाँ। और जब हम दोनों वहाँ पर उस प्रोटेस्ट में थे, तो उसके कुछ 3 साल बाद रिची का मेरे पास में फ़ोन आया कि दिल्ली क्राइम करके वो एक सीरीज़ बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसके अंदर एक देविंदर का पार्ट है जो कि एक रिलेशनशिप को लेके दर्शाता है, जो कि सब प्लॉट है उस दिल्ली क्राइम सीरीज़ का। तो वो चाहते थे कि मैं उस पार्ट को करूं, और मैंने वो इतने बहुत ही उमदा डायरेक्टर हैं और बहुत ही समझदारी से उन्होंने इस सीरीज़ को, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव था पहला सीज़न जो था, तो पहला सीज़न को सेंसिटिव न्यूज़ को उस घटना को, तो सेंसिटिव उस घटना को किस तरीके से उन्होंने ऑडियंस तक लेके गए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है पूरी सीरीज़। तो फर्स्ट सीज़न में वो था एंड सेकंड सीज़न में एक डिफरेंट केस है, तो इस तरीके से मेरे को मिला वो पहला और अभी मैं इसका हिस्सा हूँ। चलिए देवेंद्र जी, दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में रहते हैं, इसलिए हम आज इन्हें अपने स्टूडियो में लेकर के आए हैं कि हम बात करें। बड़ी खुशी होती है जब दिल्ली के जो कलाकार हैं वो भी परचम लहराते हैं कामयाबी के। एक बहुत बड़ी सीरीज़ ये ऑलरेडी कर रहे हैं, और क्या क्या प्लान है, और आप कैसे दिल्ली से सीधे बॉम्बे पहुँचे? तो देवेंद्र तो मेरा सीरीज़ में नाम है, पीतमपुरा से अगर आपने बोला तो वहाँ तो मैं आकाश दहिया के नाम से ही हूँ, जो कि मेरा बचपन से नाम मतलब वहाँ पर रहा है। और आगे आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं वो एक सीरीज़ है जिसका नाम है बिंदिया, वो आने वाला है। बिंदिया के बाद में जो है रफू चक्कर करके एक सीरीज़ है, वो आने वाली है। एंड देन उसके बाद एक धनबाद करके एक सीरीज़ है, वो अभी फिलहाल। अच्छा, दिल्ली के लोगों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है कलाकारों को? एक बहुत बड़ी, हालांकि इस समय इस तरह के जो OTP आए, प्लेटफॉर्म्स आए हैं, काफ़ी सीरीज़ लोग बनाने लगे हैं, मौका भी मिलने लगा है, और फिल्मों में भी कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्या कितना आसान हुआ है या कितना कठिन हुआ है एक कलाकार के लिए दिल्ली के? देखिए, आसान और कठिन तो ये है कि अगर आप अपने क्राफ्ट पे काम करते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें आसान बनती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो OTT के आने से ये हुआ कि काफ़ी मात्रा में सीरीज़ बन रही हैं आज के टाइम में। तो जब इतनी सारी सीरीज़ बन रही है तो बहुत सारे, जाहिर सी बात है कि कलाकार भी चाहिए, तो वो कलाकार जो वाकई में बहुत अच्छे हैं और जो अपने क्राफ्ट के पर काम करते रहे हैं और काम करते आगे भी रहेंगे, तो उनको ये मिलता है काम। तो मुझे लगता है कि आसान भी है और मुश्किल, इसलिए अगर आप काम करना छोड़ दोगे तो मुश्किल है। आपने सोचा था कि मुझे कलाकारी बनना है, कुछ और था? मैंने बचपन से सोचा हुआ था, बचपन से ही था। तो बिल्कुल बचपन से ये सोच थी कि मुझे कलाकारी बनना है, और इतने लोकप्रिय सीरीज़ में ये काम कर रहे हैं और आने वाली कई सीरीज़ में भी ये काम कर रहे हैं, और भी अपने इस खास पेशकश में और भी लोगों से हम आपके साथ आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर